हेलो तो कैसे हो तुम लोग, उम्मीद है बढ़िया ही होगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब ऐसा वीडियो बनाया था तब मैंने उस वीडियो में तुमसे बोला था अगर तुम्हारा इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो आगे से मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाऊंगा। लेकिन उस वीडियो पर तुम्हारा मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा रिस्पांस आया और इसीलिए अब रेगुलरली तुम्हें एनिमे न्यूज एंड अपडेट्स पर वीडियो मिलती रहा करेंगे। तो सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं जिसके अपडेट के लिए तुमने मेरा कमेंट सेक्शन भर रखा है। क्या माय ड्रेसअप डार्लिंग का सीजन 2 आएगा? अगर आएगा तो कब आएगा? तो चलो एक बात बताओ, 100 में से ऐसे कितने रोमकॉम एनिमे होते हैं जिनका सीजन 2 आता है? ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 होते हैं और ये कंडीशन भी तब है जब यही वो जॉनरा है जिसे हर कोई देखना पसंद करता है। तो अब सवाल ये है क्या माय ड्रेसअप डार्लिंग एनिमे उन 2 एनिमे में शामिल होने लायक है जिनका सीजन 2 आता है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल लायक है, क्योंकि ये कोई टिपिकल रोमकॉम नहीं था जहाँ एक इंट्रोवर्ट लड़का एंड एक्सट्रोवर्ट लड़की एकदम अचानक से ही एक दूसरे को लाइक करना शुरू कर देते हैं। गोजो एंड कीटा गावा दोनों की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग थी जो कि एक एक एपिसोड करके बेटर होती जाती है एंड सीजन के एंड होते होते हमें एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट लव कन्फेशन देखने मिलता है जहां कीटा गावा सोए हुए गोजो से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है। अब तुम्हें ये भी पता है ज्यादातर रोमकॉम का यही परफेक्ट एंड होता है, कन्फेशन हुआ कहानी खत्म। लेकिन ये केस थोड़ा सा अलग है क्योंकि 2022 में ही जब इस एनिमे का सीजन 1 रिलीज हुआ था इसके मेकर्स ने कंफर्म कर दिया था इसका सीजन 2 आ रहा है और उस अनाउंसमेंट से लेके अब तक 2 साल निकल चुके हैं। तो हो सकता है 2024 के एंड होते होते तुम्हें सीजन 2 देखने मिल जाए, पर कोई एग्जैक्ट रिलीज डेट अभी किसी के पास नहीं है। अब इसके सीजन 2 को इतना टाइम क्यों लग रहा है, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, इसका मांगा। क्योंकि इसके फर्स्ट सीजन के अंदर हमें मांगा के 5 वॉल्यूम्स को दिखाया गया था और उस समय इसके मांगा के टोटल 6-7 वॉल्यूम्स आए हुए थे। अब जाके वो 12 वॉल्यूम्स तक पहुँच पाया है। तो अब देखा जाए तो अभी तक मेकर्स के पास उतना मटेरियल ही नहीं था जिससे वो सीजन 2 बना पाते, इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है। तो अब इतना वेट कर लिया है तो थोड़ा सा और कर लो, जल्द ही तुम्हें इसकी रिलीज डेट भी मिल जाएगी। अब भाई आगे बढ़ते हैं वरना इस पे तो मैं बोलता ही रहूंगा। कुल मिला के बात ये है जल्द ही तुम्हें सीजन 2 का अपडेट मिलने वाला है। नेक्स्ट अपडेट एक ऐसे एनिमे से है जो मुझे काफी पसंद आया था, मतलब भाई कमाल का वॉचिंग एक्सपीरियंस था। हिंट देता हूँ अगर गैस कर पाओ तो इस एनिमे में हमें ऐसे हाई स्कूल गर्ल्स देखने मिली थी जो पूरे शहर में स्कूल ड्रेस में घूमती थी, बस उनके बैग में बुक्स की जगह गन्स होती थी। अगर तुमने ये एनिमे देखा था तो तुम अब तक गैस कर चुके होगे, नहीं देखा तो अब देख लेना। इस एनिमे का नेम है लिकोरिस रिकॉइल। हाँ यार, टाकिना एंड चिसाटो रिटर्न मार रही है, एक बार फिर से तुम्हें जॉन विक का लेडी वर्जन देखने मिलेगा। लेकिन इसमें एक चक्कर है जो कुछ फैंस को पसंद आएगा कुछ को नहीं। देखो बात ये है इसका सीजन 2 नहीं आ रहा, इसकी 6 शॉर्ट मूवीज आने वाली हैं जो कि फोकस करेंगी टाकिना और चिसाटो की एवरीडे लाइफ पर, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट के लिए ये स्लाइस ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस होने वाला है। लिकोरिस रिकॉइल के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इसको लेकर अभी तक इतना पता चला है इन 6 मूवीज को अलग अलग क्रिएटर्स को दिया जाएगा, सेम आदमी इन पर काम नहीं करेगा। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि जो डायरेक्टर स्लाइस ऑफ लाइफ बनाता है उसे उस तरीके का काम दिया गया होगा और जो एक्शन बनाता है वो इन लड़कियों से गन्स यूज कराएगा। तो कुल मिला के बात ये है हमें 6 मूवीज के अंदर 6 अलग तरीके की वाइब मिलेगी। बात करें इसके रिलीज डेट की तो वो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ ये 6 की 6 मूवीज 2024 के जाने से पहले तुम तक पहुँच जाएंगी। आगे एक अपडेट है कपल ऑफ ककूज से। कपल ऑफ ककूज अपने सीजन 2 के साथ रिटर्न मार रहा है। फ्राइडे 26 जुलाई 2024 को एनिमे के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर मेकर्स की तरफ से इसका न्यू सीजन अनाउंस कर दिया गया। अनाउंसमेंट के साथ एक प्रमोशनल वीडियो भी रिलीज किया गया जिसमें तुम्हें सीजन 2 में दिखने वाले स्टोरी आर्क के कुछ सीन्स देखने मिल जाएंगे, लेकिन वो सारे सीन्स मांगा से लिए गए हैं, वो कोई एनिमेटेड फुटेज नहीं है, मांगा के पेजेस है। लेकिन कुछ भी हो, मुद्दा ये है इसका सीजन 2 आ रहा है जो कि 2025 में रिलीज होगा। अब शायद सबके लिए ये उतना बड़ा अपडेट नहीं होगा, लेकिन जो लोग सिर्फ हिंदी डब्ड एनिमे देखते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा अपडेट है, ये मैं जानता हूँ क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब 2 से 3 लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में इस एनिमे के बारे में न पूछे। अब आगे एक बहुत बड़ा अपडेट है, वैसे देखा जाए तो ये एक लीक है या फिर तुम रूमर भी कह सकते हो, पर इस लीक के सच होने के 90% चांसेस है। 2014 में रिलीज हुआ एनिमे नो गेम नो लाइफ जिसकी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है, पिछले 10 साल से इसके फैंस इसके सीजन 2 का वेट कर रहे थे, फाइनली उनके लिए गुड न्यूज आई है। लीक निकल के आ रहा है, इसका सीजन 2 ऑलरेडी प्रोडक्शन में है। अब जिस फेसबुक अकाउंट ने ये लीक पोस्ट किया है उसने पहले भी कई बार सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो फैंस इस न्यूज पर बिलीव कर रहे हैं। उसी पोस्ट में हमें ये भी बताया गया मेकर्स की तरफ से इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी 2 अगस्त यानी कल तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे भाई ये उतना भी बड़ा अपडेट नहीं था जितना तू बता रहा था, तो मेरे भाई अभी अभी मेन बात तो रही गई है ना, अकेला ये एक एनिमे थोड़ी है जिसका लीक निकल के आया है, जिसका अनाउंसमेंट कल होने वाला है। एनीप्लेक्स एंड कैडो कावा ने 21 जुलाई को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था वो जल्दी ही कुछ सरप्राइज एनिमे अनाउंस करने वाले हैं, तो इसके हाई चांसेस हैं कल वो जिन एनिमे का अनाउंस करने वाले हैं वो यही एनिमे हो। सब एनिमे के नेम मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी ज्यादा खुश मत होना क्योंकि ये लीक है, कंफर्म नहीं है। नो गेम नो लाइफ के साथ इन एनिमे में शामिल है लिकोरिस रिकॉइल सीजन 3, कागुया-समा लव इज वॉर का नया सीजन, सॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का नया सीजन, एक नया एनिमे जिसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, गेंशिन इम्पैक्ट एनिमे और लास्ट में 86 का सीजन 3। अगर ये वाला सच निकला तो भाई कल मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। अब देखते हैं कल क्या होगा, पर जो होगा वो अगले वीडियो में तुम्हें जरूर बताया जाएगा। पिछले वीडियो की तरह ही लाइक एंड कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।